हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी टाइम। आज हम करने वाले हैं 22 अप्रैल 2020 का करंट अफेयर्स। आज के द हिंदू से जो भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है एवं जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे यहाँ कवर किए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और इसका PDF पाने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने आंगनवाड़ी वर्कर्स को योद्धा कल्याण योजना में सम्मिलित किया है? तो ऐसा करने वाला राज्य है मध्य प्रदेश। ठीक है, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश ऐसा करने वाला राज्य है जिसने अपनी लगभग 1 लाख आंगनवाड़ी वर्कर्स और सहायिकाओं को इस योद्धा कल्याण योजना में सम्मिलित किया है। इसमें जो डॉक्टर और नर्सेस जिनको हेल्थ इंश्योरेंस मिला हुआ था COVID-19 के लिए, जो मरीजों का इलाज कर रहे थे, तो वैसा ही इनको भी उसमें सम्मिलित कर लिया गया है, क्योंकि ये डोर टू डोर सर्विस प्रदान कर रही हैं, वहाँ जाकर चेकिंग कर रही हैं, आंकड़े जुटा रही हैं, इसलिए इन्हें भी इस स्कीम में सम्मिलित कर लिया गया है। ठीक है, बात करें MP की, तो यहाँ पर जो कैपिटल है वो भोपाल है। ये स्टेट बना था 26 जनवरी 1950 को। डिस्ट्रिक्ट 52 हैं। जो CM है वो शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर लालजी टंडन। यहाँ पर विधानसभा की 230 सीट हैं, लोकसभा की 29 एवं राज्यसभा की 11 सीट हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सिविल सर्विस डे किस तिथि को मनाया गया है? तो अभी सिविल सर्विस डे मनाया गया है, तो ये कब होता है सिविल सर्विस डे? तो ये मनाया जाता है 21 अप्रैल को। ठीक है, याद रखिएगा, 21 अप्रैल सिविल सर्विस डे होता है। ये फर्स्ट टाइम 21 अप्रैल 2006 को मनाया गया था, और तब से ये लगातार मनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में BRO ने दापोरिजो ब्रिज का निर्माण किया है? तो जो दापोरिजो ब्रिज बना है ये अरुणाचल प्रदेश में बनाया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर सुबनसिरी नदी है, उस पर 430 फीट ऊंचा ब्रिज बनाया गया है। ठीक है, दापोरिजो ब्रिज। बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, तो यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो 25 हैं, और ये स्टेट बना था 20 फरवरी 1987 को। इसके पहले ये UT था जो 21 जनवरी 1972 को बन गया था। कैपिटल है यहाँ पर ईटानगर, लार्जेस्ट सिटी भी ईटानगर ही है, और डिस्ट्रिक्ट 25 है। CM यहाँ पर पेमा खांडू जी हैं, गवर्नर BD मिश्रा, लोकसभा की 2, राज्यसभा की 1 और विधानसभा की यहाँ 60 सीट हैं। लैंग्वेज इंग्लिश बोली जाती है, बोली नहीं जाती है, ऑफिशियल जो इनके वर्क करने की लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। मैमल बॉस फ्रंट टेल्स है। ठीक है, याद रखिएगा, बॉस फ्रंटेल्स। बर्ड यहाँ पर हॉर्नबिल है, फ्लावर फॉक्स टेल ऑर्चिड है, और जो यहाँ पर ट्री है वो होलोंग है। ठीक है, याद रखिएगा, होलोंग। BRO की बात करें तो ये इसका फुल फॉर्म है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, और ये इंडिया की जितने भी बॉर्डर हैं वहाँ पर रोड बनाने का काम करता है, मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, तो इसका जो मोटो है वो है एवरीथिंग इज अचीवेबल थ्रू हार्ड वर्क, और जो इंग्लिश में ये मोटो है और इसका संस्कृत में जो मोटो है वो है श्रमेना सर्वम साध्यम। इसका वही मतलब हुआ कि श्रम करने से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। ठीक है, इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो 7 मई 1960 को हुआ था, और जो इसका हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है, और जो इसके हेड हैं DG हैं वो है लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह जी। ठीक है, और इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई संजीवनी OPD की शुरुआत की है? तो जो ई संजीवनी OPD की शुरुआत की है ये की है हिमाचल प्रदेश ने। ठीक है, इसमें आपको घर से बाहर निकल कर नहीं जाना होगा, घर पर ही आपको निशुल्क परामर्श मिलेगा ऑनलाइन, अगर आप बीमार हैं या कुछ भी आपको ऐसी डॉक्टरी हेल्प चाहिए तो
आपके पास वेबकैम होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए, कंप्यूटर, लैपटॉप, फ़ोन, ऐसी कुछ भी चीज़ होना चाहिए जिससे आप कनेक्ट कर सकें, ठीक है। तो आप ऑनलाइन परामर्श ले सकते हैं, वो भी निःशुल्क। तो ऐसा करने वाला राज्य है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ पर जो सीएम है वो जयराम ठाकुर जी हैं, गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय जी हैं। ये स्टेट बना था 25 जनवरी 1971 को, और जो इसकी कैपिटल है वो शिमला है, ठीक है। लोकसभा की यहाँ पर 4 सीट है, विधानसभा की 3, और जो विधानसभा है, सॉरी, राज्यसभा की 3 और विधानसभा की 68 सीट है यहाँ पर, ठीक है। याद रखिएगा, लोकसभा की 4, विधानसभा की 68 और राज्यसभा की 3 सीट है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी रामनाथ कोविंद जी का एक नया सचिव बनाया गया है, ये हैं कपिल देव त्रिपाठी जी, ठीक है। याद रखिएगा, कपिल देव त्रिपाठी जी को अभी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का न्यू सेक्रेटरी बनाया गया है। इन्होंने संजय कोठारी जी का स्थान लिया है, क्योंकि वो अभी चीफ विजिलेंस ऑफिसर बन गए हैं, तो ये सचिव की जगह खाली हो गई है, जिस पर अभी कपिल देव त्रिपाठी जी को नियुक्त किया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला सवाल है, हाल ही में किसने हाई स्पीड मैग्नेटिक रैम विकसित की है? तो जो रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये एक हाई स्पीड की मैग्नेटिक रैम जो विकसित की है, ये की है आईआईटी मंडी ने। याद रखिएगा, आईआईटी मंडी। इसमें बहुत ही तेज़ी के साथ जो डेटा है वो स्टोर होगा, एवं अधिक मात्रा में भी डेटा स्टोर किया जा सकता है इसमें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला सवाल है, हाल ही में किसने फॉर्मूला 1 स्पोर्ट चीनी वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स चैम्पियनशिप जीती है? तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि कोरोना वायरस चल रहा है, तो ये चैम्पियनशिप कैसे हो गई? कोई भी खेल हो नहीं रहे हैं, कोई भी स्पोर्ट हो नहीं रहे हैं, तो ये चैम्पियनशिप फिर कैसे हो गई? तो आपको पता होना चाहिए कि एक कोड मास्टर्स एक है, जिसने F1 PC गेम वीडियो विकसित किया है, उसके थ्रू, मतलब वीडियो गेम के थ्रू ये चैम्पियनशिप करवाई गई है, और जिसमें चार्ल्स लेक्लर जी इस चैम्पियनशिप को जीत गए हैं। तो याद रखिएगा, जो फॉर्मूला 1 स्पोर्ट चीनी वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स चैम्पियनशिप है, ये चार्ल्स लेक्लर जी ने जीती है, और ये वीडियो गेम के थ्रू हुई थी, ठीक है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल है, हाल ही में जो वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो जो वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे है, ये हर साल 21 अप्रैल को मनाया जाता है। समस्याओं का सामना करने के लिए, रचनात्मक कार्य करने एवं नए नए इनोवेशन करने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, जो वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे है, ये 21 अप्रैल को होता है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल है, हाल ही में किस कंपनी के अध्यक्ष एवं CEO रुद्र तेज सिंह का निधन हो गया है? तो अभी हाल ही में रुद्र तेज सिंह का निधन हो गया है, और ये BMW इंडिया इसके CEO और अध्यक्ष थे, रुद्र तेज सिंह जी। तो इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल है, हाल ही में ओबिकस की शुरुआत किसने की है? तो जो ओबिकस है, इसकी शुरुआत RBI ने की है, जिसे मैन्युफैक्चर जो होते हैं सामान, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है, उसकी देखरेख की जा सके कि किस तरह से सामान मैन्युफैक्चर हो रहा है, कहां कहां जा रहा है, क्या क्या प्रोसेस हो रही है। तो इन सभी को देखने के लिए अभी RBI ने जो ओबिकस है, इसकी शुरुआत की है, ठीक है। बात करते हैं RBI की, तो जो अभी गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी हैं, और ये 25वें गवर्नर हैं। एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि किस नंबर की ये गवर्नर हैं, तो याद रखिएगा 25वें हैं ये गवर्नर। हेडक्वार्टर मुंबई में है, और फॉर्मेशन इसका 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। इसमें जो भी द हिंदू के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वो सारे सम्मिलित किए गए हैं। तो चलिए देखते हैं
लास्ट वीडियो का आंसर क्या है, तो सॉरी इसमें टिक नहीं किया है, बट इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो पी के पुरवार होगा। हाल ही में किसे MTNL का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, तो ये पी के पुरवार जी को सौंपा गया है। ये BSNL के भी हेड हैं, तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर होगा पी के पुरवार। तो चलिए बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो आज का क्वेश्चन है, थिसौरपुरम फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब आप कमेंट सेक्शन में बताएं। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं कल नए सेशन के साथ।